आज हम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक देखेंगे। जब भी हम पढ़ते कि यूनाइटेड किंगडम डू नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें लगता है कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जिसमें पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जरूरत पड़ती है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरत नहीं पड़ती। तो आज के इस वीडियो में हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे कंसेप्ट बहुत ही डिटेल में देखेंगे। अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो इस टॉपिक रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, हमारे इंडियन पॉलिटी के कंसेप्ट सीरीज में हमने एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन किया है। सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा था कि वो क्या होता है, उसके पर्पस क्या होता है। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए। अभी हम जाएंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो आपको एक प्रॉपर फ्लो दिख रहा होगा। जब भी हम देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें ऐसा लगता है कि यूके को कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। लेकिन ये आपका मिसकंसेप्शन है। नॉट हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट हैविंग अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। व्हेन वी से यूके डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन, हमारा कहने का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारा ये मतलब होता है? बिल्कुल भी नहीं। यूनाइटेड किंगडम हैज अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कहने का मतलब होता है। तो आपको ये बेसिक डिफरेंस तो पता चल गया होगा, अभी हम और बेसिक के ऊपर जाएंगे। दोस्तों, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका डिफरेंस देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि कैन अ कंट्री एग्जिस्ट विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो नो, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होता है या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड होता है। किसी भी कंट्री को फंक्शन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही जरूरी है, एटलीस्ट इन केस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो द स्टेट कुड नॉट फंक्शन, और उस कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो अनार्की आ जाएगी। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर मोस्ट लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका ये डाउट तो क्लियर हो चुका है अभी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है या नहीं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही, अभी बात सिर्फ यही है कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे कोडिफाइड डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे अनकोडिफाइड डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। होपफुली यहां तक आप समझ गए होंगे। अभी हम डायरेक्टली स्किप करेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये समझने के ऊपर। दोस्तों, अभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन समझते समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पैरेलली इमेजिन करो, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कैटेगरी में आता है, और वो सेम फीचर आपको वहां भी दिखेंगे। तो जब भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे तो ये तीन सेंटेंसेस आपकी आंखों के सामने आने चाहिए। वो है कोडिफाइड डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्लेस प्रिपेयर्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर फॉर अ स्पेशल पर्पस टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कोडिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसे एक सिंगल बुक फॉर्मेट में तैयार किया गया था बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में इसे लिखने के लिए आए थे। तो अभी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लो, इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला था, तो उसी समय मतलब 1946 से लेकर 1949 में ही हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बुक फॉर्मेट में एक ही जगह पर स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ पीपल ने आके बनाकर रखा है, और वही कॉन्स्टिट्यूशन आज तक लागू है। उसमें अमेंडमेंट बाद में होता है, लेकिन जो बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट, वो पहले लिखा गया था। तो इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और कोडिफाइड डॉक्यूमेंट कंटेंट्स ऑल द फैक्ट्स इन अ बुक फॉर्म दैट कैन बी कंसल्टेड एनी टाइम लेटर। इट इंक्लूड्स द फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट एंड सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज राइट्स, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इट्स अपॉइंटमेंट, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करेगी, उसके राइट्स क्या होगी, उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें हमने एक ही जगह पर बैठ के कोडिफाई कर दी है, और उसी हिसाब से पूरी कंट्री रन करेगी। तो इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के और कुछ फीचर्स देखेंगे। अभी ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड, लेकिन मोस्ट केस में वो रिजिड मेंटेन किया जाता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होने के नाते हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को प्रोटेक्ट करना होता है, तो वो थोड़ा रिजिडिटी के ऊपर उसका टिल्ट होता है। अभी इंडिया की अगर आप केस देखोगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कुछ प्रोविजंस ऐसे रहेंगे वो चेंज करने के लिए रिजिड है, और कुछ ऐसे है जो फ्लेक्सिबल है, मतलब जो सिंपल मेजोरिटी से भी चेंज हो सकते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मस्ट टू गवर्न द फेडरल सेटअप। मतलब इंडिया जैसा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर दो पॉलिटिकल यूनिट्स रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट,
वहां पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि तो जो भी यूनिट्स रहेंगे उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव होगी। तो इंडिया के केस में सेंटर एंड स्टेट ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर डिराइव करते हैं, तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल सेटअप में बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। वो इंडिया के केस में देख लो या फिर यूएस के केस में देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जब भी होता है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होने वाला है। इंडिया का यही केस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलेगी? पीपल ऑफ इंडिया से, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन केस ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी। यहाँ पर भी बहुत एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। जनरली जब हमें ये क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट इज अ सोवरेन बॉडी इन केस ऑफ इंडिया या फिर इन केस ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट इज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, ये सही होगा। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट ध्यान में रखना, हमारा पार्लियामेंट भी उसके पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करता है। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, जब भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में से बाकी पॉलिटिकल यूनिट्स को पावर जाने वाली है। तो इन केस ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस रहेगी ऑर्डिनरी लॉज की और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, वो कंप्लीट डिफरेंट होने वाली है। कन्वेंशन एंड डेलीगेशन प्ले अ वेरी लेस रोल इन केस ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों ये सारा अगर आप लॉजिक समझोगे तभी भी समझ पा रहे हो, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को किसी को अपहोल्ड भी करना पड़ेगा, उसके प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये कौन करेगा? जुडिशियरी। तो जहां पर भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोविजन होने वाला है। आप इंडिया के केस में भी देख सकते हो और यूएस के केस में भी देख सकते हो, ये दोनों आर एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर जुडिशियल रिव्यू अलाउिंग द कोर्ट्स टू इंटरप्रिट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू स्ट्राइक डाउन द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्शन। अब चेक्स एंड बैलेंसेस का काम जुडिशियरी करती है। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ क्लियर ऑथोरिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस एम्फसाइजिंग द रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्टिंग ऑफ लॉ एंड इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी। ये हमने देखा था, जो भी पॉलिटिक का स्ट्रक्चर रहेगा वो कंप्लीटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन हो चुका है। वो भी आज नहीं हो रहा, वो 1946 से लेकर 1949 में एक जगह पर बैठ के ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक सिंगल बुक फॉर्मेट में उसे कोडिफाई किया था। जिसे बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी पूरी पढ़ाई लेक्चर में ही हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर इज वेरी स्ट्रिक्ट, ये हमने देख लिया। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्ट्रिक्ट होने ही वाला है। जनरली एसोसिएटेड विद द फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ पर आप स्टार देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों देखो अभी इंडिया का केस अगर आप देखोगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रीडम स्ट्रगल के बाद बना था। तो जनरली जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो सारी कंट्रीज ने फ्रीडम स्ट्रगल देखा होता है, क्योंकि अगर कोई कॉलोनियल पावर रहेगी वो आपके ऊपर एक्सप्लोटेशन करेगा, आपके राइट्स का हनन करेगा, तो हमें पता है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनरली ऐसी जो कंट्रीज होती है जिनको फ्रीडम मिलता है वो एक जगह पर बैठकर कोडिफाइड डॉक्यूमेंट बनाती है और पूरा फ्यूचर लिखती है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को ये नहीं होना चाहिए। तो सारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सारे राइट, सारे ड्यूटीज, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तो होपफुली ये पॉइंट भी आपने समझ लिया होगा। ये एग्जाम्पल डायरेक्टली आपको रिमेम्बर करने पड़ेंगे। इंडिया, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, न्यूजीलैंड एंड ब्राजील आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड डॉक्यूमेंट में ही लिखा गया था बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो पॉइंट्स हम देख रहे हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली ऑपोजिट रहने वाला है। तो ये पॉइंट भी आप याद कर लोगे तो इसका कॉन्वर्स विल बी इन केस ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कुछ फैक्ट्स है जो एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था दैट इज फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ 10th रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवरेन नेशन इन द वर्ल्ड। तो अभी तक हमने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स देख लिए, अभी हम देखेंगे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, अनरिटन इस वर्ड का मीनिंग क्या है वो भी आप समझ जाओगे। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जिस भी कंट्री में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता उस डेमोक्रेटिक कंट्री में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एग्जैक्टली क्या? देयर कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हमारे केस में क्या हुआ था कि हमने एक जगह पर बैठ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक बुक फॉर्मेट में पूरा कंपाइलेशन कर दिया था, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से नहीं होता। मतलब आज कुछ 10 प्रोविजन बने, 5 साल के बाद कुछ प्रोविजन बनेंगे उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देंगे, अगले 20 साल के बाद कुछ और प्रोविजन बनेंगे उसे भी ऐड कर देंगे,
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कम्प्लीटली इवॉल्विंग प्रोसेस, वो ऐसा एक जगह पर बैठ के उसे कोडिफाई नहीं किया था। तो पहले सेक्शन में मैं आपको बता रहा था वो बेसिक कीवर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोडिफाइड इन अ सिंगल बुक लाइक फॉर्मेट, ये बहुत ही मेन कीवर्ड्स है। तो आप यहाँ पर यही आपको याद रखना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन विल इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये इसका मेन कीवर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ग्रुप ऑफ पीपल। अभी आपको रिलेट हो रहा होगा कि मैं क्यों बता रहा था, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से भी चेंज हो सकते हैं। पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम एंड पार्लियामेंट इज द सोवरीन बॉडी। पहले केस में क्या था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम था, लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे उसमें पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर होती है। तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड पार्लियामेंट इज ऑल्सो द सोवरीन बॉडी, यहाँ पर पावर पार्लियामेंट से डिराइव हो रही है। लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडिया के केस में कैसा था, कॉन्स्टिट्यूशन से बाकी यूनिट्स को पावर मिल रही थी। जनरली नो कॉलोनियल बैकग्राउंड, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी ने कॉलोनियल रूल फेस ही नहीं किया, तो उनको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कि आगे राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज ऑर्डिनरी लॉज आर मेड इन द सेम मैनर, ये लिस्ट आपको याद रखनी है। यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, कैनेडा, चाइना, इसराइल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज विथ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन विच इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन होने ही वाला है। क्वेश्चन यही कि रिटन है या फिर अनरिटन है। दोस्तों अभी आपको बोर होगा, लेकिन 1 मिनट में हम पूरा रिवाइज कर देंगे ताकि सारी चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। सबसे पहले हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो यूनाइटेड किंगडम का हमने एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद हमने देखा कि कोई कंट्री एग्जिस्ट कर सकती है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के सिवाय, नो, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होने ही वाला है, इट कैन बी रिटन और अनरिटन। फिर हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का देखा, बेसिकली 3 कीवर्ड्स है, कोडिफाइड डॉक्यूमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु केम टुगेदर फॉर अ स्पेशल पर्पस, ये 3 कीवर्ड आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में जनरली क्या होता है, जब कंट्री फॉर्म होती है तो स्टार्टिंग में ही कुछ कोडिफाइड रूल्स बनाए जाएंगे एक बुक फॉर्मेट में, जिसको आगे जाके रेफर किया जाएगा। इसे कहते हैं सिंपल टर्म्स में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ फीचर्स हमने देखे कि इट कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। फेडरल सेटअप में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर झगड़ा नहीं होना चाहिए, वो तो वेल डिफाइंड पहले से ही होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ये हमेशा याद रखना। सिर्फ यही अगर टर्म याद रखोगे तो सारे लॉजिक आप इससे लगा पाओगे। पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डिनरी लॉज मेड डिफरेंटली, कन्वेंशन का ज्यादा रोल नहीं होता। जुडिशियल रिव्यू डेफिनेटली यहाँ पर काम करेगा, कि किसी ना किसी को तो चेक्स एंड बैलेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर इज वेरी स्ट्रिक्ट। जनरली जो फ्रीडम स्ट्रगल होता है तो उस जो एग्जाम्पल है वहां से ये पीपल सीखेंगे, और फ्यूचर में ये ना हो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सब नोट डाउन कर लेंगे एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट में। यूएस था फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का केस है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन में सिर्फ यही है कि ये इवॉल्व होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम, नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि उसकी कोई नीड ही नहीं है। जो तो पार्लियामेंट है वही समय समय पर उसे अमेंड करने वाली है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाली है समय समय में। वेरी फ्लेक्सिबल, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम एंड द सोवरेन बॉडी, यहाँ पर अल्टीमेट पावर पार्लियामेंट से ही बाहर आती है, तो पार्लियामेंट से ही सारे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर पावर मिलने वाली है। जनरली नो कॉलोनियल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डिनरी लॉज आर मेड इन द सेम मैनर, ये एग्जाम्पल आपने देख लिए। तो दोस्तों होपफुली जो हमारा आज का टॉपिक था रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो दोस्तों जो भी टॉपिक अभी तक हमने कवर किया है उसके ऊपर हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देखेंगे, तो सीरियसली वीडियो पॉज करो और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने की कोशिश करो, बाद में क्रॉस चेक करो कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसे पॉज करके आपको आंसर देना है। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आएगी तब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, न्यूजीलैंड हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरली ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है बी, क्योंकि हमें फॉल्स ढूंढना है। तो जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियरी के पास पावर होती है, वो है जुडिशियल रिव्यू की, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी। पार्लियामेंट्री सुप्रीमसी एग्जिस्ट इन विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज पार्लियामेंट इज सुप्रीम, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आंसर है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने बहुत डिटेल में देखा है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होता, अल्टीमेट पावर पार्लियामेंट से आती है और पार्लियामेंट्री सुप्रीमसी वहां पर दिखी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन और नन ऑफ दिस। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। अभी जो हमने एमसीक्यू लिए वो बहुत ही बेसिक लेवल के थे। अगर आपको एडवांस एमसीक्यू करने होंगे या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको सिर्फ लॉगिन करना होता है। लॉगिन करके आप सारे टेस्ट वहां पर दे सकते हो। तो पिछला हमारा वीडियो था उसके ऊपर आपके रिव्यूज और रिस्पॉन्स बहुत अच्छे थे, तो थैंक यू, क्योंकि वो ही ऐसी चीज है जो हमें ऐसे वीडियोस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो सेम रिस्पॉन्स आपको इस वीडियो को भी देना है। और कुछ भी अगर सजेशन होगा या फिर अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी ये सारी चीजें तो आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, आपको एक पीडीएफ मिलेगी उसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आपको उसके रिगार्डिंग जो सॉल्यूशन था वो भी आपको मिल जाएगा, आपको वो क्रॉस चेक करना है। और कुछ फैक्ट्स ऐसे रहेंगे जो मैं वीडियो में नहीं बता पाता, तो वो सारी पढ़ाई आपकी इस टेस्ट से होने वाली है। तो चलिए दोस्तों फिर मुलाकात हुई अगली वीडियो में, आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय हिंद।